नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या हाजिर हूँ आज की ताजा खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दुर्ग में किया गया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा नेशनल लोक अदालत शिविर का आयोजन, लंबित मामलों का किया निराकरण। दुर्ग को मिली बड़ी सफलता, नशे के कारोबारी आरोपी को किया गिरफ्तार, लगभग 1.5 लाख की नशीली टैबलेट बरामद। और राज्य सरकार ने धान खरीदी का बनाया रिकॉर्ड, अच्छी बारिश के साथ उत्पादन अच्छा होने की मुख्यमंत्री ने जताई उम्मीद। साथ ही मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को किया राशि का भुगतान। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 15 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि जारी की। मुख्यमंत्री बघेल ने अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 73वीं किश्त के रूप में 15 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की। सभी किसान भाई बहनों को जय जोहार। इस कार्यक्रम में उपस्थित कृषि और गृह मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय प्रदीप शर्मा जी, सुब्रत साहू जी, कमलप्रीत जी, अयाज जी, प्रसन्ना जी, गौरव जी और सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी साथियों, अभी लगातार छत्तीसगढ़ के हम लोग दौरा कर रहे हैं और जिधर भी जाता हूँ हरे भरे खेत दिखाई पड़ता है और किसान होने के नाते तो मन प्रसन्न हो ही जाता है। इस साल बारिश भी समय समय पर हो रहा है तो फसल अभी तक के ठीक है। कहीं कहीं कुछ शिकायतें आ रही है, उसे भी हम लोग जो शासन के निर्देश होंगे आवश्यक निर्देश उसे देंगे। इस साल हम लोगों ने 20 क्विंटल धान खरीदी करने का फैसला किया है। पिछले साल 107 लाख मीट्रिक टन हम लोगों ने धान खरीदा था, इस साल लगभग 125 लाख मीट्रिक टन खरीदी होने की उम्मीद है। लेकिन ये जो रिकॉर्ड है पिछले 5 साल में सर्वाधिक होगा और हर साल नया रिकॉर्ड हम लोग बनाते जा रहे हैं। सरकार बनी तो उस समय 80 लाख, फिर 82 लाख, फिर 92 लाख, फिर उसके बाद 107 लाख, अब 125 लाख के आसपास। लेकिन इस समय भारत सरकार ने पहले 86 लाख मीट्रिक टन चावल हमसे खरीदने का वादा किया था, उस हिसाब से बारदाना देने की, और अभी फिर से जो पत्र आया है उसमें उसको घटाकर 61 लाख कर दिया और बारदाने की कमी का भी फैसला भारत सरकार ने लिया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों मैंने प्रधानमंत्री जी से, भारत सरकार से पत्र लिखा है कि जो हमारा धान चावल खरीदने का जो कोटा है उसे यथावत रखा जाए। प्रदेश में लगातार महिलाओं के खिलाफ बढ़ती घटनाओं को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, पूर्व मंत्री पहुंचे राजभवन। साव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने राज्यपाल से कहा, छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ बढ़ते आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। राज्यपाल महोदय ने इस विषय पर संज्ञान लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगने का भरोसा दिलाया है। हमने प्रदेश की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया है कि किस प्रकार से रक्षाबंधन के दिन दो बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना होती है, किस प्रकार से शिक्षक दिवस के दिन एक आदिवासी शिक्षिका के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना होती है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। तो राज्यपाल महोदय ने इस विषय पर संज्ञान लेकर सरकार से रिपोर्ट तलब करने का भरोसा दिलाया है। राज्यपाल महोदय निश्चित रूप से इस विषय पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, प्रमुख नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल से मिलकर राज्य में बहु बेटियों के साथ जो लगातार अनाचार अत्याचार की घटनाएं हो रही है और राज्य में जो कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल हुई है, अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं, उसको लेकर राज्यपाल से हमने पार्टी की चिंता व्यक्त की है। कहा, यात्री सेवा रेलवे सुविधा को समाप्त करने की साजिश का आरोप लगाकर कांग्रेस आगामी दिनों में करेगी उग्र प्रदर्शन, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता में देते हुए जिले के संगठन प्रभारी गिरीश देवांगन ने भाजपा पर साधा निशाना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश की सबसे विश्वसनीय यात्री सेवा रेलवे सुविधा को समाप्त करने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए दुर्ग के राजीव भवन में
शनिवार को खनिज निगम और दुर्ग जिले के संगठन प्रभारी गिरीश देवांगन ने प्रेस वार्ता में मीडिया को जानकारी दी। वर्षों से भारतीय रेलवे आम जनता का भरोसेमंद, सस्ता और सुलभ परिवहन का पर्याय बना हुआ करता था, जिसे मोदी राज में रेलवे की विश्वसनीयता को खत्म करके निजी हाथों में बेचने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। बिना कोई कारण बताए, बिना किसी ठोस वजह के यात्री ट्रेनों को अचानक रद्द कर दिया जाता है। रेलवे द्वारा यात्री ट्रेनों को महीनों, हफ्तों तक बंद करने का फरमान जारी कर दिया जाता है। महीनों पहले यात्रा की योजना बनाकर रिजर्वेशन कराए नागरिकों की परेशानियों से रेलवे को और केंद्र सरकार को कोई मतलब नहीं रहता। देश की आज़ादी के बाद ऐसी स्थिति केवल मोदी सरकार में आई है, जहां रेलवे की यात्री सुविधाएँ इतनी ज़्यादा खस्ताहाल हो चुकी है। वहीं आगे भाजपा सरकार को निशाना साधते हुए कहा कि यात्री ट्रेनों को जानबूझकर रद्द किया जाता है, कभी कोयले की आपूर्ति के नाम पर, कभी कोई और कारण बताकर। ये विश्वसनीयता यात्री सेवा भारतीय रेल को बदनाम करने की साजिश है, ताकि लोग रेलवे से उब जाएं और रेल को भी मोदी अपने उद्योगपतियों, मित्रों के हवाले कर सके। भाजपा राज में रेलवे में मिलने वाली बुजुर्गों की छूट खा गए, छात्रों को मिलने वाली रियायत खा गए, किराए में बेतहाशा वृद्धि, प्लेटफॉर्म टिकट तक में कई गुना वसूली, दैनिक यात्री सरकारी और निजी क्षेत्र में कर्मचारी, पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं, कामगार, नौकरी पेशा, आम यात्री सभी उपेक्षा पीड़ित और प्रताड़ित हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस विषय पर आक्रोश जताते हुए आगामी 12 सितंबर को स्टेशनों पर पहुंचकर प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी भी दे डाली। देखिए, रेल रोको आंदोलन का आगाज 13 तारीख को किया गया है और दुर्ग रेलवे स्टेशन में रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। जिस प्रकार से लगातार 2020 से छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में जिस प्रकार से ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है, जो बहुत ही शोचनीय स्थिति, और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का हिडन एजेंडा है कि रेलवे के ऊपर जो आदिकाल से वर्षों से भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस द्वारा आक्रोश जताया गया है। साथ ही दुर्ग रेलवे स्टेशन में प्रदर्शन की बात कही गई है। देखना होगा आने वाले दिनों में किस तरह का निर्णय लिया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय आयुष स्वास्थ्य मिशन के योजना अंतर्गत जन सामान्य को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दुर्ग में 12 सितंबर को एक दिवसीय निःशुल्क जिला स्तरीय आयुष स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निःशुल्क औषधि भी प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं संचालनालय आयुष विभाग के निर्देशानुसार राष्ट्रीय आयुष स्वास्थ्य मिशन के योजना अंतर्गत जन सामान्य को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से एक दिवसीय निःशुल्क जिला स्तरीय आयुष स्वास्थ्य मेले का आयोजन दुर्ग के गुजराती धर्मशाला भवन मोतीपारा में आगामी 12 सितंबर को किया जाएगा, जिसमें आयुष विभाग के वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा रोगियों का परीक्षण, सलाह एवं चिकित्सा की जाएगी। साथ ही निःशुल्क औषधि भी यहां पर प्रदान की जाएगी। इस मौके पर कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी दुर्ग डॉक्टर GP तिवारी ने सभी उपस्थित डॉक्टरों और स्टाफ के साथ बैठक लेकर आगामी शिविर की रूपरेखा पर चर्चा की। इस संबंध में शामिल लोगों ने न्यूज टीम के समक्ष प्रतिक्रिया दी। छत्तीसगढ़ शासन की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत जन जन तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने और विशेष रूप से मैं कहूँगा आयुर्वेद को लोगों तक पहुंचाने और मैं तो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन प्रतिवर्ष एक जिले स्तर पर किया जाता है। इसमें संचालक महोदय के निर्देशानुसार उसका अपन लोग यहाँ पर कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। इसमें हमारे यहाँ जो है, इसमें डॉक्टर शैलेन सिंह को शिविर प्रभारी नियुक्त किया गया था, डॉक्टर लक्ष्मी मार्कंडे इसमें नोडल अधिकारी हैं, और इस तरह हम लोग इसमें 14 ऐसे शीर्षक पॉइंट हैं जिस पर अपन इसमें स्वास्थ्य सुविधाएँ उनके माध्यम से लोगों को प्रदर्शित करेंगे। इसमें हमारे ज़िले के 19 अपने अपने विशेषज्ञ हैं, उसमें कुछ वरिष्ठ चिकित्सक हैं, यूनानी हैं और होम्योपैथी के चिकित्सक हैं, ये अपनी चिकित्सा सेवाएं देंगे। इसमें आयुर्वेद की विशेष विधा पंचकर्म है, उससे संबंधित 4 सूत्र और अर्थ का है, जिसमें यूनानी में स्पेशली कपिंग वाली थेरेपी है वो है, और इसमें सभी रोगियों का निःशुल्क परीक्षण एवं निःशुल्क औषधियाँ प्रदाय की जाएंगी प्रयास कर रहे हैं। और शासन की ऐसी नीति है कि जनमानस अधिकतम स्वास्थ्य निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं से अनुप्राणित हो, लाभान्वित हो
और स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हों। ग्रैंडेशन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नशे पर लगाम लगाते हुए दुर्ग पुलिस ने की कार्यवाही, वहीं नशीली दवाइयों के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। दुर्ग पुलिस लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक नशे के कारोबार में लिप्त देवेंद्र उर्फ देवा निषाद को घेराबंदी कर धर दबोचा। एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट दुर्ग एवं थाना दुर्ग की संयुक्त कार्रवाई में ACCU टीम की सूचना पर दुर्ग में सार्वजनिक सामुदायिक शौचालय के पास सारथी पाया दुर्ग के आसपास नशीली दवाइयों को बेच रहा है, जिसकी जानकारी लगते ही दुर्ग पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी देवेंद्र उर्फ देवा निषाद निवासी मिल पारा दुर्ग को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 1665 नग नशीली अल्फा जोलम टेबलेट बरामद की गई। इस टेबलेट की अनुमानित कीमत लगभग 1,20,000 रुपए बताई गई है। इस संबंध में दुर्ग CSP मणिशंकर चंद्रा ने जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा नशीली दवाइयों के प्रति मुहिम चलाने के लिए निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में हमको पता चला कि थाना कोतवाली के अंतर्गत सारथी पारा में कुछ व्यक्तियों के द्वारा नशीली दवाइयों का विक्रय किया जा रहा है, जिस पर साइबर और कोतवाली की दोनों की संयुक्त टीम बनाकर वहाँ पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें नशीली दवाइयाँ बरामद हुई और एक आरोपी को हमने गिरफ्तार किया है। हमें अभी उसमें पूछताछ की जा रही है, अगर इसमें और किसी का संदिग्धता आती है तो उसमें भी आगे कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी भी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हां, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, यहां पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्तरोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो जैसे कोनाना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मुवादाना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंगरीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। कृष्णा पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर, भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023-24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है।
कृष्णा पब्लिक स्कूल, एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई, कॉन्टेक्ट नंबर 07884030903, 07882229714, मोबाइल नंबर 7389740903, 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773077111, 7773077122। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जी रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर 1 के बाद आप सभी का स्वागत है। दुर्ग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा दुर्ग के न्यायालय में एक दिवसीय नेशनल लोक अदालत शिविर का आयोजन शनिवार को किया गया। इस अवसर पर पहुंचे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने परिसर में लगे शिविर स्टॉलों का जायजा लिया और पेंडिंग और वर्तमान केस पर चर्चा की। इस दौरान शनिवार को लगे शिविर में लंबित मामले लगभग 4500 और प्री लिटिगेशन लगभग 2907 रखे गए। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा जनता के लिए मेट डेटा सूची में नाम जोड़ने के लिए एक शिविर का भी आयोजन किया गया। इस दौरान जिला न्यायाधीश दुर्ग श्रीमती नीता यादव, दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा और दुर्ग पुलिस अधीक्षक सलभ सिन्हा, विधिक सेवा प्राधिकरण के आशीष जहरिया सहित अन्य लोग शामिल रहे। इस दौरान माननीय श्री न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी मीडिया से मुखातिब हुए और इस तरह की जानकारी उन्होंने दी। इस बार दो बार जेल लोक अदालत भी की, छोटे छोटे जो मामले रहते हैं वहीं पे हमारे मैजिस्ट्रेट जाते हैं, वहीं पे कॉम्प्रोमाइज करके वहीं पे ख़त्म या जो भी डिसीजन देना हो। इसके गाइडलाइंस हिसाब से रहता है नालसा के, उनसे साल में 4 तो होती है बृहद लोक अदालत और उसमें जो परमानेंट लोक अदालत है तो हमेशा चलते रहती है। हम लोग की पार्टी जो दोनों रहे वो खुश होके जाए इसमें। नो पार्टी इज अग्रीड। पेंडिंग मामले देखिए, ये रहेगा, पॉपुलेशन रहेगा तो पेंडिंग मामले तो रहेंगे। पॉपुलेशन जितना बढ़ेगा केसेस भी बढ़ेंगे। ये जैसे हॉस्पिटल में नंबर बढ़ते हैं वैसे लिटिगेशन भी पार्ट है। हालांकि पॉपुलेशन का 2-3% है, पर पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। लिटिगेशन तो होगा, वो पार्ट ऑफ द सोसाइटी है जो बोल रहा था मैं। अब लिटिगेशन को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, उसका ये एक स्टेप है, उसका एक स्टेप है ये लोक अदालत में।
छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज, जैसे ये छोटे क्रिमिनल केसेस हुए, देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के चेक बाउंस के हुए, उसके बाद ये एक्सीडेंट के हुए, एक्सीडेंट के क्लेम यदि कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो इमीडिएट पैसा मिल जाता है, वो इमीडिएट पैसा मिले और दोनों पार्टी हैप्पी और टाइमली पैसा मिल जाता है। आपका वही पैसा यदि भले जैसे 10 लाख की जगह आपको 15 लाख मिले, 5 साल बाद मिले, पर वो 10 लाख आज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बेसिक फंडामेंटल आइडिया है। लोक अदालत में देखिए जो मेन एफर्ट है कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, लोग बिना लिटिगेशन का वेट किए, रिजल्ट का वेट करे, कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, छोटी यदि बातें हैं, कई सारे चीज़ें हैं, आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर ले उसको, इसका दोनों पार्टी खुश होके जाए, मतलब अदरवाइज एक पार्टी जीतती है एक पार्टी हारती है, उसका लिटिगेशन चलते रहता है, हायर कोर्ट में चलते रहता है वो, और उसका एंड नहीं है। उसका रिजल्ट तो आप लोग जानते हैं, हाई कोर्ट भी पूरे भरे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी इतने केसेस हैं, तो लोक अदालत ये माध्यम है कि इससे जल्दी से जल्दी ये निपटारा हो जाए इसका। रहनेसीन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीब फारूकी की रिपोर्ट। बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के संपन्न हुए चुनाव में परविंदर सिंह एक बार फिर से महासचिव पद पर निर्वाचित हुए हैं। वहीं ओए अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र बंछोर और कोषा अध्यक्ष के रूप में अंकुर मिश्रा का पूर्व में ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के चुनाव में लगातार दूसरी बार महासचिव पद पर परविंदर सिंह चुने गए हैं। परविंदर सिंह को एक तरफा जीत मिली है। कोक ओवन के सीनियर मैनेजर परविंदर सिंह ने L&A के M श्रीनिवास को 1232 से अधिक वोटों से हराया है। परविंदर सिंह को 1536 और M श्रीनिवास को 304 वोट मिला है। मतगणना शुरू होने के बाद से ही परविंदर सिंह अपनी बढ़त बनाए हुए थे। यह बढ़त अंत तक बरकरार रही। इसी के साथ ही OA की पुरानी कमेटी दोबारा सत्ता में आ गई है। NK बंछोर बतौर अध्यक्ष और अंकुर मिश्रा कोषा अध्यक्ष पूर्व में ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। वहीं ZR का नतीजा भी आ चुका है। कोक ओवन से प्रदीप मेनन और वीरेंद्र ने जीत हासिल की है। ब्लास्ट फर्नेस से सुनील क्षीरसागर और राधा किशुन ने जीत हासिल की है। OA अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर और महासचिव परविंदर सिंह ने बताया कि BSP ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा अधिकारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष किया जाता रहा है। इसी के फलस्वरूप BSP के अधिकारियों ने कार्यकारिणी पर अपना भरोसा जताया है। वर्तमान में कार्यरत और सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारियों के लिए विभिन्न कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं। अधिकारियों के हितों से जुड़े जो कार्य शेष रह गए हैं उन्हें आने वाले समय में पूरा किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। विश्वात्मा रोकथाम दिवस पर सिविल हॉस्पिटल सुपेला में नाट्य प्रस्तुति दी गई। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आयोजित नाट्य प्रस्तुति में नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थी शामिल हुए। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर जिला स्वास्थ्य समिति के सहयोग से सिविल हॉस्पिटल सुपेला में नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा नाट्य प्रस्तुति दी गई। नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने भारत में तेजी से बढ़ रही आत्महत्या की घटनाओं, उसके कारणों आदि को लेकर प्रस्तुतियां दी। नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों को एक संदेश भी दिया गया। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर सिविल हॉस्पिटल सुपेला में मानसिक स्वास्थ्य जाँच और परामर्श शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें उपस्थित डॉक्टर और उनकी टीम ने मरीजों की जाँच की। शिविर में आए लोगों का स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण भी किया गया और उन्हें दवाइयां देने के साथ ही परामर्श भी दिया गया। सभी आयोजनों में जिला स्वास्थ्य समिति की महत्वपूर्ण भागीदारी रही। आयोजन की जानकारी जिला अस्पताल दुर्ग की रानू नायक ने दी। हम जिला अस्पताल मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत काम करते हैं जिला अस्पताल में, और अभी हम सुसाइड प्रिवेंशन वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं जो कि 6 से 12 तारीख तक है। तो आज हम यहाँ पे सिविल अस्पताल सुपेला में हमने यहाँ पे एक नुक्कड़ नाटक आयोजित किया हुआ है नर्सिंग स्टूडेंट के द्वारा, और हम यहाँ पे एक मानसिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग कार्यक्रम भी वहाँ पे OPD में हमने प्लान किया हुआ है। अभी एक सप्ताह तक, जैसे कि आपको पता है कि सुसाइड का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है हमारे छत्तीसगढ़, भारत, ये सभी अभी टॉप पर चल रहे हैं, तो हमने अभी यहाँ पर सुसाइड को रोकने के लिए कुछ प्लानिंग की हुई है, और जिसके तहत अभी
हमारे जिला अस्पताल मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सुसाइड प्रिवेंशन के लिए काउंसलिंग, परामर्श, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो अभी हम जो एक हफ्ते सेलिब्रेट कर रहे हैं वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और आपके हॉस्पिटल में हमने ये जांच परीक्षण आयोजित किया हुआ है ताकि सुसाइड का जो रेट बढ़ता जा रहा है हम उसमें थोड़ी कमी ला सकें और लोगों को जागरूक कर सकें कि जिनको अगर डिप्रेशन की परेशानी हो रही है तो इस डिप्रेशन को हम कम कर सकते हैं, आत्महत्या की जो दर है उसको हम कम कर सकते हैं। धन्यवाद। बहरहाल छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं को रोकने किया जा रहा यह प्रयास सराहनीय है। इससे मानसिक रोग विशेषज्ञों द्वारा लोगों की काउंसलिंग भी की जाती है, उन्हें उचित परामर्श देने के साथ ही मार्गदर्शन भी किया जाता है। अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह की नाट्य प्रस्तुति, मानसिक स्वास्थ्य जांच और परामर्श शिविर आयोजित करने की बातें आयोजकों ने कही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। नगर निगम क्षेत्र के पशुपालकों के पशुओं का एनिमल टैगिंग एक माह के अंदर किया जाएगा। बिना टैगिंग के मवेशी पाए जाने पर उन्हें जब्त किया जाएगा, साथ ही मवेशी मालिकों पर कार्यवाही की जाएगी। नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास ने निगम सभागार में शहर के पशुपालकों की बैठक ली। बैठक में पशुपालकों से कहा कि राज्य शासन के निर्देश पर रोका छेका संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर ने सभी पशुपालकों की बैठक बुलाकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी पशुपालक अपने मवेशी को सड़क पर नहीं छोड़ें। सभी पशुपालक अपने पशुओं को चरवाहा के साथ सड़क के किनारे किनारे चराने के लिए लेकर जाएं। पशु सड़क पर रहने से सड़क दुर्घटना की आशंका बने रहती है। आयुक्त ने कहा कि शहर के सभी पशुपालकों को अपने मवेशी का एनिमल टैगिंग करवाना अनिवार्य है, जिसके लिए पशुपालन विभाग खटालों में जाकर पशु मालक की उपस्थिति में टैगिंग करेगा और पशुओं को पंजीकृत किया जाएगा। एक माह में पूरे निगम क्षेत्र के खटाल मालिकों के मवेशियों का टैगिंग तथा पंजीयन होने के बाद जो जानवर बिना टैगिंग के सड़क पर पाया जाएगा उसे आवारा मवेशी मानकर निगम जब्त करेगा। निगम आयुक्त व्यास ने कहा कि निगम द्वारा सड़क पर घूमने वाले तथा झुंड बनाकर बैठे मवेशियों को पकड़कर गौठान में रखा जा रहा है। एनिमल टैगिंग की शुरुआत गौठान में रखे गए 800 से अधिक गाय, बैल, सांड से की जाएगी। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा चलाए जा रहे रोका छेका संकल्प अभियान में लगे कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है जो उचित नहीं है। ऐसी शिकायत पर निगम द्वारा शासकीय कार्य में बाधा के तहत FIR कराई जाएगी। बैठक की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे ने दी। अक्सर ये देखा जाता है कि सड़क पे मवेशी घुमंतू रूप में घूमते रहते हैं, झुंड बनाकर चौक चौराहों पे बैठे रहते हैं, जिससे दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है और कई बार दुर्घटना होता है तो जनहानि और पशुधन की भी हानि होती है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा लगातार रोका छेका संकल्प अभियान राज्य सरकार के निर्देश पर चलाया जा रहा है और पशुपालकों को जागृत करने के लिए माननीय आयुक्त महोदय श्री रोहित व्यास जी ने एक मीटिंग भी पशुपालकों की भिलाई क्षेत्र के जितने पशुपालक हैं उनका एक निगम सभागार में बैठक आयोजित करके उनसे निर्देश समझाइश दिए हैं कि आप अपने मवेशी को रोड पर न छोड़ें जिससे किसी प्रकार का दुर्घटना हो और इनसे बचने के लिए सभी मवेशियों का टैगिंग, एनिमल टैगिंग की कार्रवाई की जा रही है। आयुक्त महोदय ने बैठक के दौरान पशुपालकों से समझाइश भी दी है कि कोई भी पशु जो दोबारा रोड पर पाए जाते हैं जिसको संकल्प अभियान के तहत पकड़ के अगर रखा जाता है और छुड़वा के पशुपालक ले जाते हैं और फिर से अगर रोड पर लाते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई निर्धारित की गई है। प्रथम बार में 1,000, द्वितीय बार में 2,000, तीसरे बार में 3,000, उसके बाद फिर FIR दर्ज करवाने का भी प्रावधान है। ये कार्रवाई से बचने के लिए पशुपालकों का, पूरे निगम क्षेत्र के पशुपालकों का एक बैठक आयोजित करके आयुक्त महोदय ने सभी से जागृति लाने की निवेदन किया था। बैठक में उप संचालक पशु चिकित्सा डॉक्टर DD झा, पशु चिकित्सा सहायक शल्य चिकित्सक सुपेला डॉक्टर संजीव कुमार सिरमौर, जोन स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य सुपरवाइजर सहित निगम क्षेत्र के पशुपालक उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दुर्ग जिला कुसरिया यादव महासभा द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाले जाने को लेकर की प्रेस वार्ता। इस दौरान उन्होंने कुसरिया यादव समाज को प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग।
दुर्ग शहर में रविवार को भव्य शोभा यात्रा निकाले जाने को लेकर कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दुर्ग जिला कोसरिया यादव महासभा के द्वारा शोभा यात्रा के साथ आकर्षक झांकियां दुर्ग के यादव छात्रावास पचरी पारा से निकाली जाएगी। इसमें समाज के लगभग 30 से 35 हजार लोगों के शामिल होने की जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान समिति के लोगों ने दी है। दुर्ग जिला कोसरिया यादव महासभा के अध्यक्ष बोधन राम यादव, सचिव शंकर लाल यादव, महिला अध्यक्ष अर्चना यादव ने संयुक्त रूप से बताया कि आयोजन का ये 13वां वर्ष है, जिसमें कोसरिया यादव समाज द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर शोभा यात्रा निकालकर सनातनी संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य है लोग जाने कि हमारी संस्कृति व सभ्यता सनातनी धर्म के आधार पर टिकी हुई है। साथ ही उन्होंने अपने समाज को राजनीति में प्रतिनिधित्व करने का अवसर नहीं मिलने पर आक्रोश जताया। उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव में पर्याप्त प्रतिनिधि देने की मांग राजनीतिक पार्टियों से की। हमारा जो कार्यक्रम है दुर्ग जिला कोसरिया यादव महासभा की ओर से एवं सनातनी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और समाज को इसी के माध्यम से संगठित करने के लिए ये दुर्ग जिला कोसरिया यादव महासभा के तत्वाधान में कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर विशाल शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं। इसके लिए मैं दुर्ग जिला कोसरिया यादव महासभा की ओर से सभी सनातियों, सभी समुदाय, सभी समाज के सामाजिक महानुभाव को मैं सादर आमंत्रण देता हूं और साथ में हम लोगों ने सभी राजनीतिक दल की ओर से 10 सितंबर दिन रविवार को भव्य शोभा यात्रा है, जिसमें दुर्ग जिला के अंतर्गत 17 सर्किल आती हैं, 3 ब्लॉक पाटन, धमदा, दुर्ग ब्लॉक के पूरा क्षेत्र से कोसरी यादव समाज की अथाह भीड़ आएगी। लगभग 50,000 की जनसंख्या रहेगी और शोभा यात्रा के साथ ही साथ ये हमारा कोसरी यादव समाज का एक शक्ति प्रदर्शन। शक्ति प्रदर्शन क्यों? क्योंकि देखा जाए तो राजनीतिक क्षेत्र में कोसरी यादव समाज को उतना महत्व नहीं मिल रहा है। शासन की जितने भी योजनाएं आती हैं उसमें कोसरी यादव समाज का कहा जाए तो बिल्कुल कोई ये नहीं मिलता लाभ उनको। भगवान श्री कृष्ण भगवान का भक्तिमय यात्रा है और साथ में यादव समाज का भी शक्ति प्रदर्शन है। यादव समाज को किसी भी पार्टी का भागीदारी भी नहीं दिया जा रहा है, ये तो यादव समाज की श्री कृष्ण भगवान की जन्म उत्सव के है, लेकिन उसके अलावा यादव समाज के एक प्रकार से शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी हम लोग कार्यक्रम को करा रहे हैं। ये आयोजन मुख्य तौर पर हम लोग विगत 11 वर्षों से मनाते आ रहे हैं, लेकिन भेदभाव के दृष्टिकोण से जिला कोसरिया यादव महासभा को देखा गया है। हमने बहुत कोशिश की शासन में बैठे हुए सभी पार्टियों के नेताओं के साथ, कई बार बैठक भी लिया कोसरिया यादव समाज ने, लेकिन मुख्यतः उन्हें सीधे साधे लोग, गरीब लोग और अलग अलग वर्ग में विभाजित करके उन्हें अपेक्षित किया गया है। चूँकि कोसरिया यादव महासभा शिक्षा के दृष्टिकोण से मैं अभी आगे बढ़ रहा है, चाहे हमारे युवा हो, बेटी हो, महिला हो, और हम लोग महिला सशक्तिकरण में भी पूरा योगदान दे रहे हैं, चाहे समाज के बड़े बुजुर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो। और इस जन्माष्टमी महोत्सव में जो 10 सितंबर को चाहे आप आयोग बनाएं, चाहे आप मंत्री बनाएं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, तो सभी समाज को बढ़ाएं, पर्टिकुलर एक ही समाज को फोकस ना करें। इसी के साथ आप सभी को, सर्व समाज को, हम दुर्ग जिला कोसरिया यादव महासभा के माध्यम से आमंत्रण दे रहे हैं, ये आह्वान है कि आप सभी आए और हमारे इस आयोजन को सफल बनाएं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। एक बार फिर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। टेंशन ना लो, शिवा लो। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो
आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं हैं, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहां मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर, उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर, चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रियल टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं, कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। सभी का स्वागत है। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भिलाई विधायक पानी के नाम पर गंदी राजनीति कर रहे हैं। सेक्टर 4 में पानी टंकी गिर जाने के बाद पर वहां अपनी फोटो लगाकर अपने लोगों के यहां पानी पहुंचाकर विधायक श्रेय लेने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें इतना ही लोगों की फिक्र थी तो जब 225 किलोमीटर की 2-2 यात्राएं निकाली तब क्या टंकी की जर्जर हालत नहीं दिखाई।
दिखी, तब इस पर कोई पहल करने का विचार क्यों नहीं आया? केवल मलबे के ऊपर खड़े फोटो खिंचाने और फिर दूसरों के काम का श्रेय लेना ही उनका एकमात्र कार्य है। पत्रकार वार्ता में उन्होंने आगे कहा कि विधायक श्रेय लेने में इतने माहिर है कि बीएसपी प्रबंधन टाउनशिप में पानी पहुंचाने के लिए स्टैंड बाय के तौर पर जो वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा है उसका भी श्रेय स्वयं लेने में पीछे नहीं रहे। पहले विधायक बीएसपी पर आरोप लगाते हैं, फिर बीएसपी के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी करते हैं। इस परियोजना में राज्य शासन वर्किंग एजेंसी है। विधायक अब इस 336 करोड़ की परियोजना का श्रेय लेकर कह रहे हैं कि लोगों को गंदा पानी अब नहीं पीना पड़ेगा, जबकि पेयजल से वास्तव में इसका कोई लेना देना नहीं है। मीडिया के समकक्ष उन्होंने प्रतिक्रिया दी। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि स्थायी व्यवस्था के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से पाइपलाइन को बदलना होगा। इसकी शुरुआत सेक्टर 6 व सेक्टर 2 में की गई थी, लेकिन वह काम रुक गया। अब टंकी गिर चुकी है। विधायक और महापौर पर आरोप लगाया कि कोई व्यवस्था वह नहीं कर पाए। पूर्व मंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कि विधायक ने अब तक क्यों नहीं देखा जर्जर टंकी को, यात्रा निकाल रहे थे लेकिन उनकी नज़र में टंकी नहीं आई। प्रेम प्रकाश पांडे ने बीएसपी और विधायक के रिश्ते पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा बगैर एनओसी के सारे काम टाउनशिप में किए जा रहे हैं, सोमवार को होने वाले कार्य में डायरेक्टर इंचार्ज बैठेंगे। लीज डिड रजिस्ट्रेशन पर कहा कि विधायक और मेयर ने पहले भी झूठ बोला, लोगों को गुमराह किया, प्रबंधन से अंदरूनी साठगांठ है। रजिस्ट्रेशन से बीएसपी का हाथ ज्यादा मजबूत हो रहा है। पानी टंकी गिरने के बाद डायरेक्टर इंचार्ज से फोन पर बात हुई, सुझाव दिया कि दोनों टाइम पानी दिया जाए, हम जब रहते हैं तो दोनों टाइम पानी आ जाता है। प्रबंधन और प्रशासन से काम कराने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की होती है, एक समन्वय बनाकर काम कराना होगा। किस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस आज था? देखिए, भिलाई के विधायक के द्वारा ये लगातार तीसरा झूठ बोला गया। पहला झूठ कि CSPDCL के बगैर ट्रांसफर किए हुए बिजली बिल हाफ नहीं हो सकता, लेकिन चुनाव आते ही सितंबर और अक्टूबर के लिए बिजली बिल हाफ की घोषणा हो गई। दूसरा झूठ, जो लीजदारी थे उनके लीज एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन हो रहा था रजिस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा, ये कहा गया कि नहीं, अब आपका मालिकाना हक हो गया, टाइटल मिल गया। तीसरा झूठ आज फिर बोला गया है कि ये जो 336 करोड़ रुपए का जो इरिगेशन डिपार्टमेंट और बीएसपी का जो प्रोजेक्ट है, जो बीएसपी ने अपने स्टैंड बाई के लिए एक योजना बनाई है कि जब खरखरा और गंगरेल का पानी किसी भी कारण से बाधित हो तो उनका वाटर सप्लाई सिस्टम चलता रहे। प्लांट में लगभग 90-95% जो काम है उनका कूलिंग सिस्टम, उसमें उसके लिए हो और वाटर सप्लाई बाधित ना हो, तो वो स्टैंड बाई है। फिर बोल दिया अब ये स्थाई हल हो गया। स्थाई हल तो तब होगा अगर मान लो अगर सिंधात में गंदा पानी आ गया तो गंदा पानी यहाँ भी आएगा, खरखरा और वहाँ का पानी गंदा आएगा तो गंदा होगा। तो उन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है बीएसपी वालों ने, और उससे जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो है, लेकिन ये गुमराह करना कि इसके लिए इन्होंने किया, जबकि इसका पूरा पैसा भिलाई इस्पात संयंत्र दे रहा है, 100 करोड़ एडवांस में दे चुका है, और जो भी होगा सिर्फ वर्किंग एजेंसी जो है वो राज्य सरकार है, अपने बाजू में बैठ कर फोटो खिंचाना। ऐसे ही झूठ ये लगातार हर कामों का बोलते आए हैं। जो कुर्सी पार में इंडोर स्टेडियम बन रहा है वो हुडको में बनना था, 3 करोड़ रुपये से वहाँ भूमि पूजन हो गया था, 3 करोड़ रुपया आ गया, उसको वहाँ से शिफ्ट करके कुर्सी पार ले गए, वो भी भाजपा का है। जितने गार्डन का इन्होंने उद्घाटन मुख्यमंत्री से कराया, सेक्टर 1 का, बापू नगर का, इवन देन सेक्टर 5 का भी ठीक है कंप्लीशन हुआ तुमने, लेकिन वो भी भाजपा का है। एक भी नया काम जो उनके द्वारा सोचा गया हो उसको क्रियान्वित करके 5 साल में नहीं किया। अगर जिस दिन हुडको का स्टेडियम वे उद्घाटित कर लेंगे तो माना जाएगा कि एक वो उनकी सोच का कल्पना का काम है जो उन्होंने बनाया है, हालांकि वहाँ के लोग नहीं चाहते, फिर भी बनाया जबरदस्ती बीएसपी के बगैर एनओसी के, बीएसपी से इनकी साठगांठ है, ताकि बिना एनओसी के भी बनाते हैं, बीएसपी वाले कुछ नहीं करते, बीएसपी वालों से नोटिस दिलवाते हैं, फिर अपने घर बुलवाते हैं,
फिर उसको वापस करवा देते हैं। अभी फिर एक षड्यंत्र चल रहा है कि पूरे खटाल वालों के खिलाफ एक मुहिम चलेगा। आज कलेक्टर का फरमान है, कमिश्नर का है कि जो लोग नहीं गए हैं उनको भगाओ। लोग भगाने जाएंगे, नोटिस देंगे और वो दौड़ के विधायक जी के पास जाएंगे और विधायक जी फिर फोन करेंगे, फिर वो छूट जाएगा। ये जो खेल है कि पहले क्रिएट द प्रॉब्लम, फिर सॉल्व नहीं, सॉल्व करते हुए दिखो। आधार कार्ड लिया जा रहा है, फोटो तो लगा के दे ही रहे हैं, लेकिन आधार कार्ड जो है मांगना सबसे बड़ा जुर्म है। मैं समझता हूँ किसी से आधार कार्ड नहीं मांगना चाहिए, लेकिन इन लोगों का ट्रेंड बना है। पिछले पार्षद चुनाव के पहले भी जब गंदा पानी आ रहा था तो ये बांट रहे थे, कुछ बंटवा रहे थे, कुछ खरीद रहे थे, उसमें भी आधार कार्ड ले रहे थे। अब आधार कार्ड क्यों चाहिए? तो वोट के लिए कि पानी दे के वोट चाहिए। बेहतर शिक्षा के लिए जाना पहचाना जाने वाले हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे बनाया गया। नन्हे बच्चों के दादा दादी नाना नानी यहां पर शामिल रहे, दीप प्रज्वलित कर व मां सरस्वती के पहले चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात शाला के डायरेक्टर ब्रिज मोहन उपाध्याय ने उपस्थित पालक गणों को संबोधित किया। नन्हे नन्हे स्कूली बच्चों ने अपने अपने जज्बात यहाँ पर कविताओं के माध्यम से जहाँ जाहिर किया, वही मधुर गीतों पर जमकर छिड़के। साथ ही म्यूजिकल चेयर का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। अपनी बेहतर शिक्षा के लिए पहचानी जाने वाली हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया गया। नन्हे बच्चों के दादा दादी नाना नानी यहां पर विशेष रूप से शामिल रहे, मां सरस्वती के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। तत्पश्चात शाला की डायरेक्टर ब्रिजमोहन उपाध्याय ने उपस्थित पालक गणों को संबोधित किया। मैं अपने कैंपस में बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि बच्चे माँ बाप से कम दादा दादी से ज़्यादा सीखते हैं और दादा दादी भी बच्चों से और भी कुछ सीखते हैं, क्योंकि सीखना एक ऐसा है जो जीवन पर्यंत कम ही रहता है। तो कभी कभी नाती और नातिन भी ऐसा कुछ बोल देती हैं जो दादा दादी को भी लगेगा कि आज तक तो हम सुने नहीं, क्योंकि अब डिजिटल समय आ चुका है, दूरदर्शन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से 5G चल रहा है। पहले 2G, हम लोग जब शुरू हुए तो जी नहीं था, सिर्फ इंटरनेट था, फिर 2G आया, फिर 4G आया, अब 5G है। तो 5G को यूज़ करने के लिए हम सबको ब्रेन भी 5G का होना चाहिए। तो हमारे जो 5G ब्रेन है वो छोटे बच्चे हैं। नन्हे नन्हे स्कूली बच्चों ने अपने अपने जज्बात यहाँ पर कविताओं के माध्यम से जहाँ जाहिर किए, वहीं मधुर गीतों पर जमकर थिरके। साथ ही म्यूजिकल चेयर का खेल दादाओं ने खेला। आयोजन का उद्देश्य शाला के डायरेक्टर व शाला प्रबंधन द्वारा दिया गया। आज दादा दादी नाना नानी ग्रैंड पेरेंट्स डे बच्चों को मना रहे हैं। ये एक्चुअली एक संबंध ऐसा है, ये एक ऐसा रिश्ता है कि एक दूसरे को भगवान के रूप में देखते हैं। दादा अपने नाती को, नाती अपने दादा को, ये दोनों भगवान के रूप में देखते हैं कि एक दूसरे के प्रति भगवान जैसा दिखता है और संबंधों में मधुरता होती है। क्योंकि जब भागम भाग लाइफ होती है तो आदमी अपने बच्चे के साथ उतना एंजॉय नहीं कर पाता है, जो जीवन में जिस तरह से उसको नसीहत देना है, जिस तरह से उसको लायक बनाना है, तो नाती में वो उस चीज़ को देखता है और एकदम गौरवान्वित होकर
बहुत ही कूल होके वो अपने नाती में उस चीज़ को डेवलप करना चाहता है जो पाया हो या खोया हो अपने जीवन में, तो उसी कड़ी को हम सब आगे बढ़ाते हुए स्कूल में और लोग भी प्रेरित हों आपके चैनल के माध्यम से देख करके, कि लोग अपने बच्चों के साथ में अट्रैक्ट हों, अपने बच्चों को, नाती को, पोते को इस तरह से नसीहत दें, इस तरह से सिखाएं कि आगे चल के वो उनके अनुरूप देश के हित में, समाज के हित में कार्य कर सके, निश्चित रूप से होगा। इसीलिए हम सब ने और हमारे स्टाफ लोगों ने इसी बात को लेके ही हम सब ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसमें लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, आपने देखा भी होगा, और लोगों को बड़ी खुशियाँ भी हो रही हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स हों। आज हमारे स्कूल में हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेशन रखा गया है, जिसमें प्री प्राइमरी के बच्चों ने अलग अलग तरह से नृत्य प्रस्तुत किया है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। उन्होंने पोएम्स बोली हैं, कविताएं बोली हैं। तो ये जो कार्यक्रम है स्पेशली हमने इसलिए करवाया है क्योंकि जनरली जो स्कूल में कार्यक्रम होते हैं उसमें पेरेंट्स जो होते हैं, मदर एंड फादर, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो अक्सर ऐसे सब चीज़ों से दूर रह जाते हैं, तो स्पेशली ये दिन उनके लिए रखा गया है ताकि वो भी आएँ, वो भी हमारे स्कूल में उपस्थित रहें, इसमें हिस्सा लें और अपने नाती पोतों को देखें कि वो किस तरह से स्कूल में अपनी टीचर्स के साथ एंजॉय करते हैं। वैसे तो काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, ये मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो इतना ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंगली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर एक चीज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो क्वेश्चन एंड राउंड हो, चाहे अपने बच्चों को उन्होंने उत्साहित भी किया है आगे इसमें परफॉर्म करने के लिए। और प्रोग्राम हमारा 11 बजे से शुरू होना था पर वो 10 बजे से यहाँ आकर के वेट कर रहे थे क्योंकि वो बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे अपने बच्चों को यहाँ देखने के लिए। ये ग्रैंड पेरेंट्स डे हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में हमने इसलिए ऑर्गेनाइज किया है ताकि बच्चे अपने दादा दादी नाना नानी से जुड़ें, क्योंकि बच्चों को संस्कृति और मॉरल वैल्यूज़ जो भी हैं वो पेरेंट्स के बजाय ग्रैंड पेरेंट्स से ज़्यादा मिलती, क्योंकि आज की दुनिया है दौड़ भाग की दुनिया है, पेरेंट्स के पास इतना समय नहीं है, तो ग्रैंड पेरेंट्स ही हैं जो बच्चों को अच्छी सीख देते हैं। बहरहाल इस तरह के आयोजन प्रत्येक शालाओं में कराए जाने की आवश्यकता है ताकि बच्चे अपनी संस्कृति, सभ्यता व परिवार की करीबियों को नज़दीक से जान सके, साथ ही साथ उपस्थित दादा दादी और नाना नानी इन बच्चों में अपना बचपन झांक सके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट। उदय पब्लिक स्कूल में धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। उदय पब्लिक स्कूल में 8 सितंबर दिन शुक्रवार को उदय महाविद्यालय के चेयरपर्सन डॉक्टर TR साहू एवं प्राचार्य डॉक्टर अलीपा साहू की अध्यक्षता में उदय पब्लिक स्कूल में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाई गई। सभी बच्चे राधा कृष्ण बनकर आए थे। कार्यक्रम की शुरुआत व्यंग से की गई, नृत्य एवं मटकी फोड़ के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। इस मौके पर सभी बच्चों में बड़ा ही उत्साह देखने को मिला। सभी शिक्षकों के सहयोग से यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। जामुल में संचालित उदय पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के साथ संस्कृति, सभ्यता से जोड़ने और जागरूक करने, सभी पर्वों और त्योहारों को पारंपरिक तौर पर मनाया जाता है। इसी कड़ी में उदय पब्लिक स्कूल में कृष्ण जन्मोत्सव, कृष्ण जन्माष्टमी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। उदय महाविद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर TR साहू, साथ ही प्राचार्य डॉक्टर अलीपा साहू की मौजूदगी में विभिन्न आयोजन यहाँ पर किए गए। सभी बच्चे पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों ने जहां मनमोहक प्रस्तुतियां दी तो वहीं मटकी फोड़ आकर्षण का केंद्र रहा। बहरहाल उदय पब्लिक स्कूल में कृष्ण जन्मोत्सव को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। सभी ने मिलकर यहां उत्साहित होकर पर्व को खुशियों से मनाया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट। स्टेशन मरोदा शंकर पारा में शनिवार सुबह बोर पाइपलाइन टूट जाने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंचे निगम के कर्मचारियों ने संधारण कार्य शुरू कर दिया है।
स्टेशन मरोदा शंकर पारा में बोर पाइपलाइन शनिवार सुबह टूटने से लगातार काफी मात्रा में पेयजल नाली में व्यर्थ बहता रहा। पाइपलाइन टूटने की वजह से आगे अन्य मोहल्लों में भी पानी नहीं पहुंच सका, जिससे स्थानीय निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्टेशन मरोदा एरिया में अमृत मिशन के अंतर्गत पाइपलाइनें तो बिछाई गई हैं, लेकिन उसमें भी पानी सही मात्रा में लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि इसका प्रेशर बहुत ही कम है, जिससे लोगों की पानी की समस्या बोर पाइपलाइन के जरिए ही पूरी हो पाती है। अमृत मिशन पाइपलाइन आने से पहले भी इसी बोर पाइपलाइन से ही लोगों तक पानी पहुंचता था और लोग अपनी पानी की ज़रूरतों को पूरा किया करते थे। रहवासियों ने बताया कि 4-5 दिनों से पानी रिसाव हो रहा था, अंततः आज सुबह पाइपलाइन टूट गई और पानी घंटों व्यर्थ बहता रहा। इसमें कोई देख रेख नहीं होता है, अब पार्षद को बोलने से कुछ ये निराकरण नहीं करता है, इसमें हम लोग को पानी के लिए बहुत परेशानी हो जाता है। घर का जो नल है लगा हुआ है अमृत वाला, वो आता ही नहीं है, उसके कारण से एकदम परेशानी होता है, पानी पीने के लिए सोचना पड़ता है। ये तो कर 15 दिन से बाहर है पानी, 15 दिन से बाहर है पानी, उसमें मरम्मत के नाम से कोई आते ही नहीं है, देखता है फिर चल जाता है। नगर निगम रिसाली के अधिकारी गोपाल सिन्हा ने पाइपलाइन संधारण को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। देखो, अभी पार्षद माध्यम से हमारे कार्यालय में अभी सवेरे सूचना प्राप्त हुआ है, उसको परीक्षण कराकर आज ही आज उसको ठीक कर लिया जाएगा। अभी तो हम 2 दिन पहले वहाँ पे और कार्य करा, पानी के मामले में हम लोग तत्काल कार्रवाई कर। गौरतलब है कि यदि पूर्व में ही पाइपलाइन का संधारण कर लिया जाता तो ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती। निगम कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से शनिवार को हजारों लीटर पानी की बर्बादी हुई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। जानवी शलभ सिन्हा ने बच्चों से संबंधित एक कविता संग्रह लिखा है, जिसका की विमोचन मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ दिनों पूर्व किया गया। शुक्रवार को पत्रकारों से मुखातिब होते हुए जानवी शलभ सिन्हा ने अपने लेखिका होने का अनुभव पत्रकारों के साथ साझा किया एवं बच्चों के लिए लिखी गई अपने इस कविता संग्रह के बारे में मीडिया को जानकारी कुछ इस तरह से दी। मुख्यमंत्री जी के हाथों में आई गिफ्ट यू अ रेनबो, उसके बारे में हम बात करने के लिए एकत्रित हुए थे। इस किताब में 62 कविताओं का संग्रह आपको मिलेगा और इनका शीर्षक जो है, इसमें जो रेनबो शब्द आता है उसका मतलब ये है कि इसमें हम हर रंग की, हर ह्यू की, हर कलर के इमोशंस को दर्शाने की चेष्टा कर रहे हैं अंग्रेज़ी के इस कविता के संग्रह में, जिसका नाम है आई गिफ्ट यू अ रेनबो। ये दिल्ली के पब्लिशर बीआर पब्लिशिंग हाउस ने पब्लिश की है, क्योंकि मेरा दिल्ली से पुराना नाता है, मेरा कॉलेज एंड स्कूल मिरांडा हाउस सब दिल्ली का था, तो मैं चाहती थी कि हमारे पब्लिशर दिल्ली के ही हों, तो उन्होंने पब्लिश किया है। और ईश्वर की कृपा से जिस गांव से ये इस किताब का जो उद्घाटन हुआ है वो हमारे ननिहाल का मर्रा। इसको मैंने हमारी बिटिया के पैदा होने के पहले 7 महीनों में लिखा और 62 कविताओं का संग्रह है, जो सामाजिक संदेश देती हैं लैंगिक समानता का और पेट्रियार्की को स्मैश करने की बातें करती हैं, स्टीरियोटाइप्स का खंडन करती हैं। ये अमेज़ॉन पे मिल जाएगी आपको, 12 तारीख के बाद आपको अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। इसमें महिलाओं के लिए स्वाभिमान और उनको सशक्त करने वाली बातें मिलेंगी, जो हर हाल में उनको किसी भी स्थिति से जूझने का एक साहस प्रदान करेंगी। हम में से हर किसी के लिए हमको कुछ ना कुछ मिलेगा, तो ये बिल्कुल ना सोचा जाए कि ये केवल किताब महिलाओं के लिए या बच्चियों के लिए लिखी गई है। सुखी जीवन के लिए, जीवंतता के लिए, खुशनुमा ज़िंदगी के लिए केवल और केवल एक संदेश है मेरा। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे घर का, हमारे छत्तीसगढ़ का, हमारे देश का हर एक बच्चा अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करे, और वो रियलाइज़ केवल और केवल बुद्धि के दम पे किया जा सकता है। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं जातिगत बातें सुनती हूँ या जब मैं मिसोजिनिस्टिक बातों को सुनती हूँ। मिसोजिनिस्टिक बातें माने नारी हेटिंग बातें, ऐसी बातें जो नारियों को तुच्छ दिखाने या उन पे SMS जोक्स और उनकी चीज़ों को वायरल आप करेंगे हंसने के लिए। अब यहाँ ऐसे कुछ कई बार ऐसा हो जाता है कि इंसान अपने पृष्ठभूमि को दर्शाता है,
जो मैं कह रही हूँ, जो आप कह रहे हैं, अगर हम जेल कर रहे हैं, अगर हम किसी बात की समीक्षा करना चाह रहे हैं, तो आप कितने ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो हम और आप भी समझ जाते हैं। तो इस किताब के थ्रू मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बेटा बेटी में जो व्यक्ति फ़र्क नहीं करेगा, वो अपनी औलाद को परवान चढ़ते देखेगा शिक्षा के बल पर, और शिक्षा से बड़ा कोई रिडीमर नहीं होता, जो मैं मन से मानती हूँ। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।